प्यारा सा सम फिर से मिला है, वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। और क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है फोर्थ टर्म इज इक्वल टू योर एट और सिक्स्थ टर्म इज योर 14। एनथ टर्म क्या होता है, एनथ टर्म ऑफ ए पी आप तो जानते ही हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेर ए इज योर फर्स्ट टर्म, डी इज योर कॉमन डिफरेंस एंड एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, इसीलिए तो बोले ना एन एनथ टर्म। तो क्या दिया हुआ, सिक्स्थ टर्म, पहले बड़ा वाला लेते हैं ठीक है, ताकि हम जब सॉल्व करें तो आसानी पड़े। तो सिक्स्थ टर्म क्या दिया हुआ है, 14। तो 14 विल बी इक्वल टू योर ए प्लस एन माइनस वन, है ना, सिक्स्थ टर्म है ना, तो आपका एन का वैल्यू सिक्स है, एन माइनस वन विल बी योर फाइव, फाइव डी। उसी तरह आपका फोर्थ टर्म दिया हुआ है, तो फोर्थ टर्म दिया हुआ है तो क्या कितना दिया हुआ, एट दिया हुआ है ना, विल बी इक्वल टू ए प्लस फोर माइनस वन दैट इज थ्री डी। अब तो ये फॉर्म हो गया हमारा, साइमल्टेनियस फॉर्म में हो गया। तो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम, कितना हो गया, माइनस करना पड़ेगा ना जी, आप माइनस कीजिएगा तो तीनों में माइनस कीजिएगा तो 14 माइनस एट हो गया सिक्स, ए और ए कैंसिल हो गया, माइनस ए प्लस ए विल बी इक्वल टू 5d माइनस 3d विल बी इक्वल टू 2d, वेयर d विल बी इक्वल टू योर 3, d कितना हो गया 3। यानी कि या तो इक्वेशन 1 में या नहीं तो इक्वेशन 2 में, किसी में भी d का वैल्यू पुट करेंगे तो a निकलेगा। तो आसान वाला लीजिए ना, a प्लस 3d, a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना है, 8 है ना, ये कितना पता नहीं है जी, प्लस 3d, d का वैल्यू 3, 3 थ्री इज 9 इक्वल टू 8, यानी कि द वैल्यू ऑफ योर a इज इक्वल टू कितना, 8 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 1। तो आप a का भी वैल्यू निकाल लिए, आपके पास में d का भी वैल्यू है, a का भी वैल्यू है, देयरफॉर अब क्या निकालना है, अब निकालना है sn निकालना है, दैट इज सम टू 20 टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है 20, यानी क्या निकालना है, एस एन निकालना है। एस एन का फॉर्मूला पहले फॉर्मूला लिखेंगे, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये हो गया आपका एस एन हो गया। निकालना कितना, एस 20 निकालना है, तो एस 20 विल बी इक्वल टू एन का वैल्यू 20, 20 बाई टू सॉल्व कीजिए, टू ए टू इन टू माइनस वन माइनस टू प्लस एन माइनस वन, एन कितना जी 20, 20 माइनस वन 19, डी का वैल्यू 3। बस अगर क्लैरिटी के साथ सॉल्व किया जाए तो समझिए कि बहुत आसान है, वरना आप तो जानते ही हैं कितना, ये हो गया आपका माइनस 2 और प्लस 57 विल बी इक्वल टू 55, तो इज इक्वल टू 550। देखिए तो कितना आसान से क्वेश्चन हमारा का आंसर निकल गया, ठीक है। आई होप इफ यू हैव लर्न समथिंग प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट, थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग।